हेलो सर, सो दिस इज जस्ट टुडे आई विल जस्ट रीड योर क्वेश्चन आंसर बिकॉज योर पोर्शन ओवर। सो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर नोट्स, आई विल जस्ट रीड। सो बिकॉज ऑफ हैंड राइटिंग दिस टाइम आई एम गिविंग दैट नोट्स। So if you want to write, write better. If you are writing the notes, you can make the notes in literature better. You make the notes, otherwise you will get so much spelling mistake. So question one, see there, this is the first chapter, Sujan Bhagat. Our first chapter, Sujan Bhagat. So because of handwriting, I am not giving my notes. So it's easy to understand handwriting, that reason. तो फर्स्ट क्वेश्चन सीधे साधे किसान के पास। सो यस्टरडे आई सेंड क्लास नंबर 59 ऑब्जर्व ग्रामर। तो वन वन डे आई सेंड नोट्स, वन डे आई विल सेंड यू ग्रामर। सो यू यू कैन यू राइट दिस क्वेश्चन आंसर। फॉर बेटर मार्क्स बेटर यू राइट टू क्वेश्चन आंसर। सीधे साधे किसान धन आते ही किस ओर झुकते हैं? सीधे साधे किसान धन आते ही धर्म और कीर्ति की ओर झुकते हैं। यू कैन राइट ओनली आंसर ऑल्सो, दिस इज वन और आंसर, नो प्रॉब्लम। कानूनगो इलाके में आते तो चौपाल किस चौपाल में ठहरते? किसके चौपाल में ठहरते? सुजान महतो के चौपाल में ठहरते। सुजान ने गांव में क्या बनवाया? सुजान ने गांव में पक्का कुआं बनवाया। सुजान की पत्नी का नाम क्या था? सुजान की पत्नी बुलाकी। बड़े बेटे का नाम लिखे, बड़े बेटे का नाम भोला, छोटे बेटे का नाम शंकर। द्वार पर आकर कौन चिल्लाने लग गया? द्वार पर आकर भिक्षुक चिल्लाने लगा। बुढ़ापे में आदमी की क्या मारी जाती? बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि मारी जाती है। घर में किसका राज होता है? जो कमाता है उसका राज होता है। कटिया का ढेर देखकर कौन दंग रह गई? कटिया देखकर बुलाकी दंग रह गई। सुजान की गोद में सर रखे किने अकथनीय सुख मिल रहा था? सुजान की गोद में रखे बैलों को सुजान की गोद में रखकर अकथनीय सुख मिल रहा था। किसको? बैलों को। भिक्षु के गांव का नाम लिखे, भिक्षु के गांव का नाम था अमूला। 3 वर्ष लगातार कौन सी फसल लगती गई? 3 वर्ष लगातार ऊख की फसल लगती गई। दिस इज एक्स्ट्रा क्वेश्चन। सत्कार में बाधा डालने में क्या बिगड़ता है? इफ यू वॉन्ट टू सी यू जस्ट सी, बट मोस्टली फ्रॉम टेक्स्ट बुक क्वेश्चन इज कमिंग। दिस इज जस्ट 13 to 15 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर। इफ यू वॉन्ट टू सी यू कैन सी, नो प्रॉब्लम। दिस आर ऑल्सो एक्स्ट्रा क्वेश्चन। नाउ दिस इज द क्वेश्चन आंसर। सुजान महतो की दिस इज मिनिमम यू हैव टू राइट 3 or 4 line मिनिमम, बिकॉज दिस क्वेश्चन आंसर विल कम फॉर 3 marks। तो यू हैव टू नो द ऑल द स्टोरी फॉर दिस क्वेश्चन आंसर। सुजान महतो की संपत्ति बढ़ी तो क्या करने लग गया? सुजान महतो की संपत्ति बढ़ी तो उनके चित्त की वृत्ति धर्म की ओर झुक गए। साधु संतों का आदर होने लगा। द्वार पर धुनी जाने लग गई। सो यू यू लर्न पॉइंट वाइज, फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट, तो इज ईजी फॉर यू। यू कैन राइट एनी 4 इन दिस ऑल्सो बिकॉज देर इज नो सिक्वेंस। कानूनगो इलाके में आते सुजान चौपाल, सुजान की चौपाल में ठहरते। हल्के के हेड कॉन्स्टेबल, थानेदार, शिक्षा विभाग के अफसर, यहाँ तक कि बड़े बड़े हाकिम भी उनके चौपाल पर आकर ठहरने लगे। घर में भजन भाव होता, सत्संग होता। सुजान ने गांव में पक्का कुआं बनवा दिया और किसान हर जो भी हर गांव किसी ने नहीं किया था ऐसा काम सुजान ने कर दिखाया। तो दिस इज द क्वेश्चन आंसर। यू कैन राइट 3 any 3 4 line मिनिमम, 4 point यू हैव टू राइट। सुजान भगत घर में अनादर कैसे हुआ? सुजान महतो सुजान भगत बनने के बाद धार्मिक और सत्कार्य करने लगे।
घर के मामलों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते थे, इसलिए घर वालों की नजरों से गिर गया। सुजान के हाथों में धीरे धीरे अधिकार छीने जाने लगे। किस खेत में क्या बोना है, किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है, किस भाव क्या चीज बिकी, ऐसे महत्वपूर्ण बातों भगत जी की सलाह ना ली जाती कि दोनों जवान बेटे बात बात पर उन पर फफ्तियां कसते। उनकी पत्नी बुलाकर बेटों के पक्ष में थी। हद तब हो गई जब भिक्षु को दान देने की स्वतंत्रता भी खो चुके। गांव भर में जान का मान सम्मान बढ़ता था और अपने ही घर में उसका मान सम्मान घटने लग गया। सुजान भगत पेड़ के नीचे बैठकर क्या सोचने लगे। धीरे धीरे उनके हाथ से सारे अधिकार छीने जाने लगे। तब सुजान ने पेड़ के नीचे बैठकर सोचा उसके तो उसी मिस्टेक सार दिया उसके उसे मिस्टेक सार दिया घर में उसका नादर। अभी यह अपाहिज नहीं है, हाथ पाँव नहीं थके नहीं हैं, घर का कुछ न कुछ काम करता ही रहता है, फिर भी यह अनादर उसी ने तो हियर गैप इज देयर उसी ने वह घर बनाया था। सारी विभूति इसी का श्रम का फल है, पर अब उसका कोई अधिकार नहीं। अब वह दरवाजे पर कुत्ते जैसा है पड़ा रहता है। घर वाले जो रूखा सूखा दे वही खाकर पेट भर लिया करे। ऐसे जीवन को वह धिक्कारता है, ऐसे घर में वह नहीं रह सकता। सो दिस वन ऑल्सो यू कैन राइट 3 or 4 लाइन बिकॉज दिस आंसर आर बिग। सुजान भगत को सबसे अधिक क्रोध बुलाकी पर क्यों आया। सुजान भगत को सबसे अधिक अपनी पत्नी बुलाकी पर क्रोध आया क्योंकि वह भी लड़कों का साथ देती थी। लड़कों को मालूम नहीं कितने परिश्रम से उसने गृहस्थी जोड़ी है, लेकिन उसे तो मालूम है। सुजान ने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। इतनी कड़ी मेहनत की, भादों की अंधेरी रात में मड़ैया लगा के जुआर की रखवाली करता था, जठे बैसाख की दोपहरी में भी दम न लेता था। अब उसी के घर में उतना भी अधिकार नहीं कि वह भीख दे सके। सुजान ने कभी न उसे मारा, न पैसे की कमी की बीमारी में भी उसे वैद्य के पास ले जाता। अब उसे अपने बेटे सब कुछ उसके बेटे ही लगते। चैत के महीने में सतयुग का राज का वर्णन कीजिए। चैत के महीने में जगह जगह अनाज के ढेर लगते हैं। वही समय है जब किसान को भी थोड़ी देर के लिए अपना जीवन सफल मालूम होता है। अच्छी फसल देख कर कटाई कर जब वे अनाज के ढेर लगा को देते हैं तब गर्व से उनका हृदय उछलने लगता है। सुजान भी टोकरे में अनाज भर भर कर देते और उनके दोनों लड़के वह घर में रखाते। भाट और भिक्षु तब भीख मांगने आते, तब खलिहानों में सचमुच सतयुग का राज होता है। सुजान भगत और भिक्षु को कैसे संतुष्ट करता है। एक बार निराश होकर लौटे भिक्षु को सुजान कहते हैं उस अनाज की ढेर से जितना अनाज उठाकर ले जाओ। भिक्षुक ने पहले 10 सेर अनाज अपने चादर में भरा, लेकिन सुजान ने इसे कोई बच्चा भी उठा लेगा कहकर उस चादर में खुद इतना अनाज भरा कि उससे वह गठरी हिली नहीं। तब सुजान ने पता कराया कि वह अमोला में रहता है, फिर गठरी खुद अपने सिर पर उठाकर भिक्षु को पीछे चला। इस तरह भिक्षु को संतुष्ट किया। सुजान भगत अपना खोया हुआ अधिकार फिर कैसे प्राप्त करता है। सुजान पत्नी बेटे और पत्नी से जो अनादर हुआ उससे सुजान बहुत ही चिंतित था। उसे लगा कि अब वह अब तक जिस घर में राज किया उसी घर में पराधीन रहकर वह नहीं रह सकता। उसे अधिकार चाहिए। इस घर पर दूसरे का अधिकार देख नहीं सकता, मंदिर का पुजारी बनकर नहीं रह सकता। उसे उसी क्षण से वह कठोर परिश्रम करने लग गया। रात भर बैलों को चारा काटता रहा, सुबह तक कटिया का पहाड़ खड़ा कर दिया। सवेरे ही हल लेकर खेत में पहुंचा। बोला जब किसानों के साथ हल लेकर खेत में पहुंचा तब सुजान आधा खेत जोत चुका था। दोपहर में विश्राम नहीं किया, डाड़ फेंकना, अनाज बोना, खेत की सुरक्षा आदि। इस प्रकार 8 महीने निरंतर परिश्रम किया। खेत ने सोना उगल दिया, बखारी में अनाज रखने की जगह न रही। इस तरह सुजान ने अपना खोया हुआ अधिकार प्राप्त कर लिया। सो दिस क्वेश्चन आंसर सो लॉन्ग अकॉर्डिंग द 3 marks एंड तो बेटर यू कैन सेलेक्ट 4 लाइन ट्राई टू राइट लिटिल शॉर्ट। सो दिस आर द एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इफ यू वांट यू कैन राइट। नाउ किसने किससे कहा, धर्म के काम में मीच मेक निकालना अच्छा नहीं। यह वाक्य सुजान ने अपनी पत्नी बुलाकी से कहा। सो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट चैप्टर श्योरली क्वेश्चन आंसर विल कम फ्रॉम दिस चैप्टर, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर दिस चैप्टर।
दिन भर एक नए खुचड़ निकालते रहते हैं। इस वाक्य भोला ने अपनी माँ बुलाकी से कहा। आधी रोटी का भगवान का भजन करो, पड़े रहो। इस वाक्य को बुलाकी ने अपने पति सुजान भगत से कहा। क्रोधी तो सदा के हैं, अब वह किसी की सुनेंगे थोड़े ही। यह वाक्य बुलाकी ने अपने बेटे भोला से कहा। बाबा इतना मुझसे ना उठ सकेगा, यह वाक्य भिक्षुक ने सुजान से कहा। सो दिस आर द एक्स्ट्रा क्वेश्चन। आदमी को चाहिए कि जैसा समय देखे वैसा काम करे, बुलाकी ने सुजान से कहा। मैं संझा को डाल फेंक दूंगा, भोला ने सुजान से कहा। अच्छा बताओ किस गांव में रहते हो, यह भगत ने भिक्षुक से कहा। नाउ संदर्भ व्याख्या। सो दिस दिस वन ऑल्सो विल कम फॉर 3 मार्क्स। सो 1 मार्क्स फॉर प्रसंग एंड संदर्भ एंड फॉर स्पष्टीकरण 2 मार्क्स। तो यू हैव टू नो द राइटर एंड चैप्टर नेम। तो हु इज द राइटर? प्रेमचंद। हाउ यू हैव टू राइट? प्रसंग, प्रस्तुत, गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव के सुजान भगत नामक कहानी से लिया गया है, जिसके लेखक प्रेमचंद हैं। संदर्भ प्रस्तुत वाक्य सुजान भगत ने बुलाकी से कहा कि ईश्वर के यहाँ किस बात की कमी है। नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन स्पष्टीकरण। एक बार जब गया के यात्री गांव में आकर ठहरे थे तो सुजान के यहाँ उनका भोजन बना हुआ। सुजान के मन में भी गया जाने की बहुत दिनों से इच्छा थी। यह अवसर देखकर वह भी चलने को तैयार हो गया, लेकिन बुलाकी ने कहा कि अगले साल देखेंगे। हाथ खाली हो जाएगा तो सुजान ने अगले साल क्या होगा कौन जानता है, धर्म के काम को नहीं चाहिए, ऐसा कहते हुए इस वाक्य को कहा। सो फॉर दिस संदर्भ स्पष्टीकरण यू हैव टू नो द स्टोरी एंड डायलॉग्स। तो यू कैन ईजली राइट दिस वन, जस्ट एक्सप्लेन लिटिल बिट।